नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ की इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के पलिया सोफीगंज के छात्रों ने खेलकूद के मैदान पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे को हटाए जाने को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे पलिया सोफीगंज के छात्रों का आरोप है कि उनके गांव में कुछ दबंगों ने गांव के खेल के मैदान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इस मामले में गांव के लेखपाल पंकज अस्थाना दबंगों से मिले हुए हैं, जिसके कारण खेल के मैदान पर से कब्जा नहीं हटा पा रहे हैं। छात्रों ने जिलाधिकारी से मांग किया कि मामले की जांच कराकर खेल के मैदान पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों और उनके लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोगों के गांव में खेल कूद का मैदान है, जिसे कुछ मनवरों और दबंगों ने चारों ओर से कब्जा कर रखा है। और हम लोग एक बार तहसील पे गए थे, एप्लीकेशन दिए थे SDM के पास। उसके बाद लेखपाल लोग आए थे, वो लोग भी झगड़ा लगा के चले गए, सही से नापे नहीं। और वो जो लोग कब्जा किए हैं, उन लोगों का मन भर रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता हम लोगों का, चाहे जहाँ भी जाओ हम लोग कब्जा करेंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ कल उसके बाद हम लोग आए हैं थक हार के कलेक्ट्रेट आजमगढ़ DM के पास, और यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन दे दिए हैं। एप्लीकेशन देने के बाद अब हम लोगों की यही अपेक्षा करेंगे कि आगे कार्रवाई अच्छी हो, हम लोगों की सुनी जाए। हम लोग युवा लोग हैं, हम लोगों के गांव में जो खेलकूद का मैदान है, अगर बन जाएगा तो भविष्य में गांव वालों का भविष्य बनेगा, लोग वहां पे खेलेंगे कूदेंगे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।